हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये रेडीमेड जैसे बैग होता है, पर्स होता है, ऑफिस बैग, वैसे बैग लेंगे। साइड में बॉटल रखने को, बैक साइड जिपर, फ्रंट डबल जिपर, फिर मेन पैनल पे डबल जिपर। ये नॉर्मल टू सेक्शन बैग नहीं है, ये रेडीमेड जैसा, देखिए रेडीमेड जैसा बनाया हुआ है। तो आइए सीखते हैं। आज के इस बैग में हम बहुत सी चीज़ें लगेंगी, वो सारी मटीरियल मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए दो क्विल्टेड पीस है, 15x12, ऐसे 15 है और लंबाई में 12 है। ये दो पीस लगेंगे। और ऐसे ये पॉकेट का पीस है जो 8x8 है, साइड पॉकेट है ये, इसमें हम लोग बॉटल वगैरह रखना है हमको। ये बेस के लिए है 15x5, 15 ये जितना है उतना, और विड्थ में हमारा ये 5 इंच आने वाला है। और ये ऊपर का जिपर पोर्शन के लिए ये कटेगा। अभी ये मैंने पूरा एक साथ सिला के रखा है, जैसे कि 15x10 है। ये हम लोग ये 2.5 इंच में मैंने जैसे ये मार्क करके रखा है, जैसे यहाँ सिलाई किया हुआ है दोनों तरफ, वैसे ये बीच में लाइन के ऊपर कटने वाला है। तो ये 4 पीस हो जाएंगे हमारे 2.5 इंच के। तो ये अभी फिलहाल 10 इंच काटा है मैंने, और ये लंबाई में हमारा जैसे बैग जितना है वैसे 15 इंच है। और ये साइड बेस है, साइड बेस लंबाई जितनी है बेस के लिए लिया है 5 इंच, उतना ही इसमें भी 5 इंच लिया है मैंने। ये लाइनिंग के इनर पॉकेट के लिए है, ये अराउंड मैंने 7 इंच का लिया है, मीन्स ये छोटा ही चाहिए इसके लिए, 7x6 का लिया है। ये अंदर के पॉकेट के लिए है। ये विंडो पॉकेट है बैक साइड का, इसको लंबाई में हमने देखिए 9x18 लिया है। तो ये फोल्ड होके आपको सिर्फ 9 इंच का पॉकेट मिलने वाला है। तो ये अलग, ये मीन्स फिल्टिंग टाइप पॉकेट आने वाला है। नॉर्मल विंडो जी पर हम लोग रोज करते हैं वैसा नहीं है, ये एक अलग आपको दिखाना है, इसके लिए मैं बना रही हूँ। और एक इनर लाइनिंग है, देखिए तो 4 पीस लगेंगे मुझे अंदर के लाइनिंग के लिए। ये मैंने 17 इंच का काटा है, जिसके हम लोग का 15 इंच है, तो इसमें 1-1 इंच मैंने एक्स्ट्रा काटा है। आपको लंबाई मैंने 12 इंच रखी है। रेडीमेड हैंडल लगाने वाली हूँ मैं, ये 24 इंच के काटे हैं। जिपर ये 15 इंच के 2 पीस, विंडो पॉकेट के लिए ये 8 इंच का पीस, और ये 6.5 इंच का अंदर के इनर पॉकेट के लिए। और उसी हिसाब से जितने हम लोग के जिपर होंगे उतने ही हमें रनर लगेंगे। और 2 जिपर मैंने ऑलरेडी लगा लिए हैं, वो आपको कैसे लगाए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने पहले ही लगा दिए हैं। ये देखिए ये हमारा 12 इंच का पीस है, तो इसमें क्या किया मैंने, ऊपर से 2 इंच और 2 इंच पे कट किया है, मतलब ये 4 इंच का पहले पट्टी कट कर लिया, उसमें से 2 पोर्शन कट कर लिए। तो उसके बाद में दोनों तरफ यहाँ पे जो अभी हम लोग का 8 इंच बचता है उसके ऊपर मैंने देखिए ये जिप मैंने कम काटी और साइड में टैब लगा दिए, जैसे मैं अलग बैगों में भी लगा दी, क्योंकि इतना बड़ा जिप जरूरी नहीं है, क्योंकि पोर्शन उतना मिलने वाला है इतना। तो देखिए ये साइड तक जा रहा है मेरा, बस ये मैंने एंड तक नहीं रखा है, तो इसको एक जिप लगा दिया है दोनों तरफ से, यहाँ पे उल्टा रखे यहाँ पे जिप लगा दिया, फिर ये ऊपर की तरफ ये 2 इंच का पट्टी आया वो लगा दिया, और यहाँ पे मैंने दाब सिलाई दोनों तरफ कर दी है। लेकिन ये देखिए पोर्शन ऊपर तक जा रहा है, जब ये मैं लगाती हूँ तब इसका मैं दाब सिलाई करते वक्त और एक लाइनिंग लगा देती हूँ, जिसके लिए मुझे लाइनिंग लगेगा ये 10 इंच के हाइट का और ये 15 इंच के हाइट का। ये एक लाइनिंग लगा दिया है जो कि इसका पॉकेट है, ये देखिए ये पॉकेट है जो 10 इंच के हाइट में, यहाँ से लगाती हूँ मैं इसका डबल सिलाई करते वक्त, हम लोग उसका फिनिशिंग के जैसे करके इसको लगाने वाले हैं। उसके बाद ये जब जिपर लगाऊंगी तो इसके लिए मैंने पूरा 12 इंच का, और ये देखिए ऊपर से नीचे तक, देखिए इसका मतलब यहाँ पे एक ये एक लाइनिंग ये और ये एक बाहर का, मीन ये देखिए अलग अलग पोर्शन आने वाले हैं। तो ये ऐसे अलग अलग पॉकेट्स हम लोग को जितने चाहिए हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रहे ये फ्रंट का पोर्शन है, इसमें अगर आपको कोई बॉर्डर या और कुछ लगाना है तो ये पॉकेट्स का पीछे का पोर्शन लगाने से पहले आपको लगा लेना, भले आप जिप लगा लें, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कुछ लगाना है
तो ये पॉकेट क्लोज करने से पहले मीन ये वाला पीस ज्वाइन करने से पहले आपको यहाँ पे लगाना है। मुझे कुछ नहीं लगाना है क्योंकि ये ऑफिस बैग है तो मुझे ये सोबर लुक रखना था, तो इसमें मैं कुछ अलग नहीं रख रही हूँ। बस ब्लैक बैग चाहिए था मेरे कस्टमर को, तो मैंने कोई इसमें बॉर्डर या कोई लेस वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ, इसके लिए मैंने ये पीछे का पोर्शन वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है। तो ये पूरा हमारा तैयार हो गया है। ये भी देखिए, इसमें मुझे पूरा नीचे तक बहुत सी कैपेसिटी मिल रही है। ये ऑफिस जाने के लिए बहुत काम आता है क्योंकि आपके पेपर्स होते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, या तो फिर आपका कॉस्मेटिक होता है, आपकी पानी की बॉटल होती है, आपका लंच बैग होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको रखनी है। और हम लोग इसमें भी डबल सेक्शन करने वाले हैं, लेकिन ये डबल सेक्शन अलग टाइप से होगा। अभी हम लोग पीछे का जिप लगा देते हैं। देखिए पीछे का जिप लगाने के लिए देखिए ये पोर्शन है। अगर आपका प्रिंट हो तो प्रिंट का ध्यान रखिए कि कैसे आना चाहिए वो प्रिंट, उस हिसाब से आप रख लीजिएगा। ये मेरे पास इसमें शाइनिंग तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है उसको, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 इंच मार्क करके जब हम लोग पॉकेट लगाते हैं तो 1/2 इंच और नीचे आता है, तो 2 इंच पे आएगा, इसके लिए मैं ऊपर से 2 इंच ले रही, 1.5 इंच लेती हूँ। अगर कट करना हो तो मैं 2 इंच पे काटती हूँ, 1.5 इंच पे काट के इसको मार्क कर देती हूँ और इसमें सेंटर भी लगा दूंगी क्योंकि हम लोग पूरा एंड टू एंड नहीं कर रहे, तो इसके लिए इसका 15 इंच का सेंटर भी लगा दिया। क्योंकि इसमें हम लोग ये 9x18 का जो पीस हम लोग ने काटा है ये रखेंगे, और ये रॉन्ग साइड है ऊपर रहेगा, करेक्ट साइड है जो नीचे जाएगा। अगर प्रिंट वगैरह हो तो प्लेन होगा तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और वैसे भी ये पॉकेट अंदर की ओर जाने वाली है, ऊपर की ओर कुछ नहीं दिखाई देगा। ये हम लोग सेंटर पे इसको लगा देंगे, इसके बाद में अराउंड 1/2 इंच नीचे इसको मैं लाइन खींच लूंगी। बाद में जिपर का बीच का पोर्शन के लिए जैसे हम लोग वो विंडो जिपर पे लाइन करते हैं वैसे ही लाइन करते हैं इसमें भी, इसके अंदर हमारा जिप आने वाला है। तो मुझे ये 7 इंच का जिप लगाना है इसमें, मीन जिप मैंने 8 इंच का काटा है लेकिन मुझे लगाना सिर्फ और बाहर विजिबल सिर्फ 7 इंच होगा, तो उसी हिसाब से मैं ये विंडो बना रही हूँ। देखिए विंडो बना दिया। अभी मैं ये सिलाई, ये जो मार्किंग किया है उसी के ऊपर मैं सिलाई करूँगी। हमारा चारों ओर से ये पॉकेट के सिला के हो गया है। अभी मैं इसके बीच में मार्क करूंगी सेंटर पे, इन दो के सेंटर में, क्योंकि मुझे कट करना है विंडो के लिए इस तरह से। और जब कॉर्नर आता है तो यहाँ पे मैं ये ट्रायंगल में काटूंगी। ये जो काटना है देखिए इसी लाइन तक काटूंगी, इसके आगे का पोर्शन में नहीं काटूंगी, यहाँ तक काट के यहाँ पे फिर कॉर्नर में काटूंगी। देखिए अभी ये फोल्ड कर दिया, इसके अंदर से यहाँ तक कट कर दिया और इसके बाद में ये कॉर्नर तक, बस सिलाई नहीं काटूंगी। इस तरह से हो गया, दूसरी ओर भी उसी तरह। ये बैक का कपड़ा मैंने पैराशूट का लिया है, इसमें सेल्फ प्रिंट है थोड़ा शाइनिंग का, और ये लाइनिंग का थोड़ा अलग कपड़ा है, लेकिन ये भी पैराशूट का ही कपड़ा है। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों भी वाटरप्रूफ है। ये अभी बारिश का सीजन आने वाला है, इसके लिए वो कस्टमर ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि वाटरप्रूफ चाहिए। ये देखिए ये अभी ये जो अंदर का विंडो खुल गया है, अभी हम लोग इसमें से ये सारा का सारा पोर्शन अंदर धकेल देंगे। देखिए अभी अपने आप ये सही वाला पोर्शन
नीचे आ गया। मैं इसको ये अच्छे से सारा का सारा जो बाहर हम लोग ने लाइनिंग का कपड़ा रखा है वो सारा का सारा अंदर खींच लेंगे और इसको दबा देंगे कॉर्नर्स ताकि वो फिनिशिंग अच्छे से आए। नॉर्मली सब लोग ब्लैक कलर का बैग ही प्रेफर करते हैं ताकि वो ज़्यादा मैला ना हो और वो हर ड्रेस के साथ ये साड़ी के साथ मैचिंग हो जाता है। कलर स्पेसिफिक लिया तो फिर हर बैग हर ड्रेस के साथ मैचिंग नहीं होता है, इसके लिए प्रेफर करते हैं। इसके लिए मैं आज आपको मीन्स देखने में दिक्कत ना हो इसके लिए एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगी और सिलाई मैं आपको कम दिखाऊँगी, मीन्स कैसे सिलना है वो दिखा दूंगी। और क्योंकि सिलाई अगर आपको नहीं दिख रही है और मैं दिखा रही हूँ तो कुछ प्रॉब्लम मीन्स उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगी आपको कि कैसे करना है। देखिए अभी ये डाप सिलाई हम लोग चारों ओर करेंगे क्योंकि ये सारा का सारा पोर्शन हमारा अंदर आ गया। बस ये देखना है कि ये स्ट्रेट है और इसके बीच में मेरे किधर जैसे ये ऊपर ना आए सिलाई करते वक्त, तो ये नीचे से अच्छे से मैंने खींच लिया। ये हमारा विंडो का सिलाई हो चुका है, देखिए अच्छे से हो गया है। अभी हम लोग इसके ऊपर पहले जिप लगा लेंगे, देखिए विंडो यहाँ से थोड़ा बाहर यहाँ से भी थोड़ा बाहर, ऐसे ये जिप हम लोग लगा लेंगे जैसे नॉर्मली लगाते हैं। इसके अंदर ये रख के यहाँ एज पे सिलाई करेंगे ताकि वो अगर आप लोग दाप सिलाई के ऊपर ही सिलाई करेंगे तो ये ऐसा उठा हुआ जैसे लगेगा, तो हम लोग ये एज पे सिलाई करेंगे ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ये हमारा जिप लग गया है, बस हमको ये अभी पॉकेट क्लोज करना है क्योंकि ये खुला है। अभी इसमें क्या करेंगे देखिए, नॉर्मली हम लोग इसके ऊपर पूरा का पूरा छोटा सा पोर्शन विंडो के लिए करके पूरा का पूरा इसमें लाइनिंग लगा देते थे, इसमें हम लोग ने एक्स्ट्रा दिया है तो इसमें ये देखिए ऐसा फोल्ड कर दिया क्योंकि हम लोग ने देखिए अंदर की ओर आके ये सीधा हो गया है। अभी ये हम लोग इसके ऊपर ऐसे रख देंगे एग्जैक्टली ये, अब ये नीचे तो फोल्ड है तो ये ऊपर का पूरा तीनों साइड हम लोग सीधा देंगे। देखिए ये यहाँ से इसको ऊपर उठा के सिलाएंगे, मीन्स डायरेक्ट मीन्स कपड़े पे आप ऊपर आपको कोई सिलाई नहीं दिखाई देगी। जो नॉर्मली दूसरा टाइप का भी होता है कि सिर्फ इतने ही पोर्शन में हम लोग ये कर दें, लेकिन वो क्या होता है कपड़े के ऊपर सिलाई दिखाई देती है कि हमारा पॉकेट कहाँ पे है, तो इसके लिए इसमें ये इनविजिबल पॉकेट जैसे हो जाता है और ये टिल्टिंग है अंदर से, देखिए ये उठा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ऊपर का और फोल्ड करूँगी और ऊपर के फोल्ड करेंगे, देखिए हम लोग ये दो पोर्शन पकड़ते हैं और ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई करेंगे ताकि इसके ऊपर सिलाई नहीं आए, सिर्फ ये दो पोर्शन पकड़ के नीचे का और ऊपर का टॉप पकड़ के हम लोग सिलाई करेंगे। हमारे ऊपर की सिलाई होने के बाद हम लोग ये ऊपर की सिलाई करते हैं, ऊपर की सिलाई के बाद ये जैसे पीछे करके इसके ऊपर सिलाई करेंगे, ये जो साइड है उसके ऊपर सिलाई करेंगे। इसमें कहीं पे भी हम लोग मेन फैब्रिक पे सिलाई नहीं करेंगे और इसी तरह दूसरी ओर भी। देखिए हमारा तीनों ओर से सिलाई हो गया, मैंने डबल सिलाई भी कर दिया है और अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कोई सिलाई नहीं दिखाई दे रही, बस ये विंडो दिखाई दे रहा है। इसमें आपको पूरा कैपेसिटी मिलेगा, ये देखिए साइड पे पूरा सिल दिया है। ये आपको एक नया पैटर्न दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ, वरना ये ऐसे डबल कपड़ा जाता है इसमें, यहाँ पे एक डबल कपड़ा जा रहा है। इससे अच्छा मैं प्रीफर करती हूँ कि एंड टू एंड पूरा पॉकेट दे दे, टिल्टिंग नहीं हो
पूरा का पूरा पोर्शन दे दो ताकि अंदर का कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए। अंदर यहाँ से इतनी ही जगह मिली है मुझे, अगर मैं एंड टू एंड कर देती तो इधर का भी पोर्शन अंदर आ जाता है। ये आपको जस्ट नया पैटर्न दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ, आपके ऊपर है आप अपने बैग में कैसे पॉकेट रखना चाहते हैं। अभी इसके बाद हम लोग इसको शेप देने वाले हैं बैग को। बस शेप देते हुए ध्यान रखेंगे कि ये कुछ पॉकेट का जो हिस्सा मैंने बनाया है वो कोई कटे नहीं। तो इसमें क्या करने वाली हूँ मैं, इसका सेंटर मार्क करूंगी, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा एक शेप दे दूंगी वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा बैग। सेंटर पे मार्क कर लिया, सेंटर में दोनों तरफ मार्क करके रख देती हूँ क्योंकि फिर बेस लगाने के लिए हमें चाहिए होता है। सेंटर मार्क कर लिया और इसके साथ अभी हमारा ये दोनों पॉकेट भी बन गया है तो मैं हैंडल के लिए भी मार्क कर देती हूँ 3 इंच पे। हैंडल के लिए मार्क हो गया और उसके बाद में मैं ये साइड से 1.5 इंच अंदर, यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच और नीचे, पूरा नीचे तक नहीं जाएंगे हम लोग, नीचे अराउंड 1.5 इंच छोड़ देंगे। और इसको यहाँ से स्लैंटिंग में जोड़ देंगे। बस हमको यही देखना है कि पॉकेट का कोई हिस्सा वगैरह नहीं कटता है ना, भी इसमें हमारा कुछ नहीं कटेगा क्योंकि हम लोग ने टैब लगा दिया है, ये काफी पीछे आ चुका है तो हम लोग उस हिसाब से ये कट कर देंगे। हमारा ये पीस कट चुका है, देखिए दोनों पोर्शन मैंने कट कर लिए। अभी हमें इसको हैंडल लगा लेना है जैसे कि हम लोग यूजुअल लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। इसको एंड में हम लोग लाइटर से थोड़ा जला देंगे ताकि ये जो रेशे निकल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और फिर ऐसे रख के लगा देंगे ताकि ये सीधी तरह से लग जाए। ये दोनों तरफ मैं लगा देती हूँ, हमारे दोनों तरफ हैंडल लग गए हैं। अभी हमें साइड के पॉकेट का तैयारी करनी है। देखिए ये साइड पॉकेट है जो 1x1 का काटा है तो इसमें मैंने लाइनिंग का कपड़ा देखिए उतने ही पोर्शन का 1.5 इंच का काट के इधर ऊपर सिलाई कर दी है क्योंकि इसमें हमको इलास्टिक लगाना है। देखिए इसके ऊपर सिलाई कर दी ताकि ये इलास्टिक लगाने के लिए मुझे उतना वो केस चाहिए। ये अभी यहाँ पे फोल्ड कर लिया, पूरी तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया तो इसको मैं पहले डाक सिलाई लगा लेती हूँ क्योंकि जिप में इलास्टिक मेरा गोल इलास्टिक है तो उसको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। देखिए ये गोल इलास्टिक है जो मैंने साइड बेस जितना है उतना ही काट के लिया है, 5 इंच का लिया है तो इसको पहले मैं लाफ सिलाई लगा लेती हूँ। इसका ये यहाँ पर ये एंड पे ये टक कर लूँगी ताकि ये फोल्ड करते वक्त ये मेरा बीच में ना आए, ये सबसे एंड में रख के मैं ये सिलाई कर लेती हूँ, जितना फोल्ड करना है वो फोल्ड करके। फोल्ड करके यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। ये
इसमें से ये रबर जो है आगे की ओर खींच लूँगी ताकि वो अंदर नहीं चला जाए, क्योंकि मुझे एंड में भी ये इसको सिलाई लगानी है, ताकि उतने ही पोर्शन में वो प्लास्टिक आ जाए। कि सिलाई लगने के बाद उसको अंदर से मैं खींच नहीं पाऊंगी। इसको अच्छे से अंदर रख के मैं यही एज पे सिला लूंगी। और सिलाई आने वाली है क्योंकि जब मैं साइड ज्वाइन करूंगी तब इसके साथ और एक बार सिलाई आ जाएगी, और अभी मेन साइड पीस को लगाऊंगी तब भी इसके ऊपर सिलाई आती है। ये 5x12 का जो पीस है इसमें मैं ये लगाऊंगी। सबसे पहले दोनों साइड से मैं जोड़ दूंगी ऐसे रख के, क्योंकि ये साइड सिलाते वक्त अंदर जाने वाला है, इसके लिए इसको अंदर की ओर फोल्ड वगैरह करके कुछ नहीं लगाऊंगी। ऐसे ही रॉ एज बाहर दिखेंगे वैसे ही लगा रही हूँ। ये देखिए वैसे ही नीचे की ओर जितना है उतना ही, जितने हाइट पे आता है उतना ही हाइट पे मैं लगा दूंगी। ऐसे ही इस तरफ वाला भी लगा दूंगी। बॉटल रखने के लिए हमारा केस तैयार हो गया। अब ये नीचे हम लोग ऐसे ही इसको प्लीट डालते हुए ये बंद कर देंगे, दो या तीन प्लीट डाल देंगे। ये साइड पीस जो है उनको ध्यान से लगाना है, क्योंकि हम लोग अगर इसे राइट में हैंडल बैक पकड़ते हैं राइट साइड पे, तो ये ऐसे आगे की ओर आना चाहिए, जो कि फ्रंट पोर्शन इस तरफ आएगा और बैक पोर्शन इस तरफ आएगा। मीन्स जो पैटर्न जो है बाहर की तरफ दिखाई देना चाहिए और जो बैक पॉकेट है अंदर की तरफ आना चाहिए। ये उसी तरह हम लोग लगाएंगे। देखिए ये जो फ्रंट है ऐसे आएगा जब हम लोग बैक पकड़ेंगे, तो देखिए। और बैक का पोर्शन जिसमें हम लोग मोस्टली पैसे वगैरह रखते हैं तो सिक्योरिटी के लिए हम लोग अपनी ओर रखना पसंद करते हैं, तो वो इस तरफ आएगा, तो ये यहाँ लगेगा। वो आप कहाँ हैंडल पकड़ते हैं कैसे पकड़ते हैं आपको अपने सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि अगर आप लेफ्टी हैं तो ये इस तरफ लगने वाला है। आप हैंडल कहाँ पकड़ते हैं उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। देखिए ये यहाँ मुझे ज्वाइन करना है, साइड बेस ज्वाइन करना है। और इसमें डबल लाइनिंग है हमारी, इसके लिए मैं कोई पाइपिंग नहीं दे रही हूँ, डबल सिलाई करूंगी और ये सारा रॉ एजेस अंदर की ओर चला जाएगा। ये कॉर्नर तक नहीं सिलाया, थोड़ा सा छोड़ दिया ताकि ये साइड बेस करते वक्त मुझे इसको ज्वाइन करने में आसानी हो। यहाँ पे लगा दिया, अभी दूसरा इस तरफ लगा दूंगी। दूसरा जो पीस है इस तरफ लगा दूंगी, वो भी इसी तरफ। ये सीधा सीधे के ऊपर सीधा ऐसे रख दूंगी और सिलाई कर दूंगी। देखिए
स्लांटिंग होने की वजह से, हम लोग ने स्लांटिंग कट किया होने की वजह से हो सकता है ये पोर्शन हमको कम पड़ जाए इसका, तो इसके लिए थोड़ा सा आधा इंच आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो चलेगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन ये मैं बेस लगाते वक्त क्योंकि ये टर्निंग आता है तो वो एडजस्ट हो जाता है। अभी ये नीचे की ओर लगा दूंगी, नीचे की ओर लगाते वक्त मैं ये इसको सिलाई करके ही ज्वाइन कर दूंगी। ये जो मैंने छोड़ा है ये कॉर्नर, वहीं पे ये सिल दूंगी। यहाँ पे आके यहाँ ज्वाइन होएगा, उसके बाद में मैं नीचे का पोर्शन ज्वाइन करूंगी, ये बाद में ज्वाइन करूंगी, पहले साइड ज्वाइन कर दूंगी। दोनों साइड हो गया, ये सेंटर का पोर्शन मैं जोड़ देती हूँ। एक साइड का रेडी हो गया है, ओके। अभी बस ये दूसरा साइड में उसे रख के उसे साइड से साइड ज्वाइन कर लूंगी पहले, और बाद में एडजस्ट करके बराबर से इसको पहले दो साइड से मैं पिनअप करूंगी, फिर बाद में सेंटर पे पिनअप करूंगी, फिर वो बराबर अंदर से फिक्स होने में मुझे हेल्प होगा। तो उतना मैं लगा लेती हूँ और डबल सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि हमको इसमें कोई पाइपिंग नहीं देनी है। तो डबल सिलाई याद से कीजिएगा, क्योंकि एक बार अंदर का लाइनिंग लगने के बाद आप यहाँ पे सिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बैक पोर्शन में भी आपको एक्स्ट्रा पॉकेट चाहिए यहाँ पे साइड पोर्शन पे, क्योंकि मैंने एक फ्रंट पे जो बैक साइड आता है उसमें ही मैंने बॉटल रखने के लिए जगह दी है, आपको इस तरफ भी रखना है तो आप इस तरफ भी रख सकते हैं। उल्टा करके ये मतलब बैक का बाहरी सेक्शन पूरा हो गया, बस इनर साइड बाकी है और ऊपर का फिनिशिंग बाकी है। ये अंदर करने से पहले हम लोग इधर एक बस यहाँ और यहाँ पे एक दाब सिलाई लगा देंगे, ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे। अभी देखिए ऐसे ही हम लोग लगा देंगे जिप नॉर्मल टू सेक्शन की जैसे, तो हमको वो 15 इंच का जिप बराबर हो जाएगा, और जो मैंने ये 15 इंच का काटा है वो भी बराबर हो जाएगा। लेकिन मुझे ये अलग टाइप का करना है, क्योंकि ये मुझे ऐसे फोल्ड करना है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 12 इंच का आता है, ये 12 इंच का होता है जो मैंने साइड से 1.5 इंच का कट किया है। इसके लिए मीन्स इसका शेप ऐसे आ जाएगा और अंदर टू सेक्शन वैसे के वैसे ही रहने वाला है। तो मैं अभी इसको ये जो पोर्शन काटा था ये मैं 12 इंच पे, क्योंकि ताकि अगर ये अलग अलग पीस करके मैं कट करूँगी तो इट इज़ अ वेस्ट। तो अभी इतना काटूंगी तो ये मुझे कहीं ना कहीं और काम आ जाएगा अगले प्रोजेक्ट में कहीं, तो मैं वो पूरा का पूरा अलग कर रही हूँ। तो ये 12x10 का पीस हो गया, जो कि मुझे सिपर सेक्शन के लिए। अभी मैं ये इसको 4 हिस्सों में अलग अलग बांट दूंगी। ये जो मैंने बराबर मैंने बीच का मार्किंग करके दोनों साइड से सिलाई की हुई है, ये हमारे 4 पोर्शन हो गए। उसी प्रकार हमको अभी ये लाइनिंग जो है वो पूरी रखेंगे हम लोग। इसमें एक पोर्शन मैंने ऐसे डबल काटा है जो बीच के इसमें आएगा, मीन्स जैसे कपड़ा था वैसे ही रख दिया है मैंने। ये आप चारों का चारों सिंगल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे अलग अलग ही लगाना पड़ेगा। तो ये इस पे मैं सबसे पहले जिप लगा देती हूँ। अभी मैंने वो 12 इंच का काटा है तो ये भी मुझे एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो मैं ये कट कर देती हूँ, नहीं तो वहाँ क्या हो जाएगा उतने का उतना मैं लगा दूंगी तो ये ऐसे मुड़ के आ जाएगा उसमें, तो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है मैं कट कर दूंगी।
बस 12 इंच का ही रख रही हूँ मैं, और सेम डिस्टेंस पे सिला रही हूँ। अगर ये पोर्शन सीधा है तो आप लोग सीधा रखेंगे, और ये उल्टा है जो उसके साथ है, और ये सीधा ऊपर की ओर है। कपड़ा भी सीधा ऊपर देख रहा है, ये भी ऊपर देख रहा है, वैसे सीधे की तरह। अब जब खोले तो अंदर सीधा कपड़ा है। ये जो मैंने जिप का और ऊपर का जिपर पोर्शन का जो चेंजेस किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चेंज करके डाल दूंगी। ये देखिए, ये घुमा दिया मैंने, ये टर्न करके यहाँ पे भी ऐसे करके ये लगा दिए। देखिए जब खुलेगा अंदर की ओर सही हिस्सा, अभी ये बाहर रॉन्ग साइड है। ऐसे ही दूसरा भी लगा दूंगी, और दूसरा पूरा करने से पहले उसको मैं अंदर पॉकेट भी लगा दूंगी। इसको भी पॉकेट की हिस्से भी ऐसे ही लगा दूंगी मैं, ये जिप ऐसे लगाऊंगी, लेकिन ये साइड में मुझे फोल्डिंग चाहिए, इसके लिए मैं इधर दोनों जगह यही मटेरियल का टैब लगा दूंगी, और ये इस पर फिक्स कर दूंगी सेंटर में। हमारा इनर पॉकेट लग गया है, और मैंने एक पोर्शन को ये लगा दिया है। कैसे लगाया भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, बस तो दूसरा पोर्शन मेरा बाकी है, उस पर मैं दिखा दिया आपको, एक लगा दिया हमने। तो दोनों तरफ से जिप लगाया हुआ है, इसमें रनर में ये डालने के बाद डालती हूँ। देखिए ये दो पोर्शन है, ये सीधा पोर्शन, ये उल्टा पोर्शन। अब ये सीधी जिप है हमारी, तो ये इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी मैं, मतलब ये जब खुलेगा तो ये सीधा है, और जिप खुलेगा तो अंदर का कपड़ा भी सीधा है। तो अभी ये इसके ऊपर उल्टा रख के बराबर एंड टू एंड पकड़ के सिलाऊंगी कैसे, लेकिन साइड में मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये और ये पोर्शन मुझे ज्वाइन करना होता है, तो आधा इंच छोड़ के दोनों तरफ से आधा इंच छोड़ूंगी और फिर सिलाई करूंगी। एकदम एंड टू एंड सिलाई नहीं करना है, क्योंकि हमको ये पोर्शन और ये कपड़ा दोनों को ज्वाइन करना है। ये यहाँ ज्वाइन कर लिया, दूसरा इस तरफ से ज्वाइन कर लूंगा। बस आपका अगर प्रिंट वगैरह हो तभी आप ध्यान रखिएगा उसका डायरेक्शन का। मेरे पास ये प्लेन है तो मुझे वो डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ध्यान आया होगा, इसमें हमको लाइनिंग और ज्यादा लग गया। ये देखिए, वो टू सेक्शन बैग में हम लोग ने ये तीन पोर्शन काटे थे, इसमें हमको ये चार पोर्शन लगे, क्योंकि ये अलग और वो अलग हम लोग सिलाने वाले हैं। तो ये इसका दोनों का साइड सिलाई कर लेना है हमें, और इसमें मैं पहले रनर डालूंगी। रनर डालने से पहले मैं डायरेक्शन देखूंगी किस डायरेक्शन में डालना है, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें मैंने ये जो डायरेक्शन डाला है, पॉकेट का डायरेक्शन किस तरफ है, ये राइट टू लेफ्ट गया है, तो उसी हिसाब से ये राइट टू लेफ्ट गया है। तभी यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट, अगर यहाँ से डाल दिया तो ये मैं इस तरफ करूँगी, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ये जब तक लगाया नहीं है तब तक मैं डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ। समय साइड क्लोज कर रही हूँ। अगर साइड में मेरा कपड़ा छोटा होता तो मैं अराउंड 1 इंच छोड़ के नीचे से सिलाई करती। ये कपड़ा मैंने 15 इंच के हिसाब से काटा था, इसके लिए अभी ये मेरे पास काफ़ी लंबा है, लेकिन ये मैं पोर्शन कम नहीं करूँगी, क्योंकि अंदर वो साइड बेस के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है। हमारा साइड पीस ज्वाइन हो गया, अभी ये ऊपर का पीस हमको ज्वाइन करना है, तो हमको ये इस तरह ज्वाइन करना है। तो हम लोग ये पूरा जिप और ये दोनों इस तरफ खींच लेंगे, ताकि हम लोग ने, ये देखिए आधा इंच हम लोग ने जगह छोड़ी थी ना, इसीलिए जिप भी मैं पीछे खींच रही हूँ और इसको साइड ज्वाइन कर रही हूँ। ऊपर का
जिपर का पोर्शन जो है ना, ये वाला जिपर पैनल, वो मैं सिला रही। इसमें कपड़ा मुझे कुछ नहीं आ रहा है अभी। खोल के इसको मैं, जिपर अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इसे ये हो रहा है क्योंकि वो 12 इंच का ही दिया था, इसके लिए ऊपर आ रहा है, इसके लिए मैं इसको पीछे धकेल रही हूँ। जितना चाहिए उतना ही आएगा, बाकी का सारा बाहर निकल जाएगा। ये खोल रही है और इसके ऊपर मैं सिलाई करूँगी ताकि वो जिपर रनर बाहर ना आए, थोड़ा जिपर बाहर की ओर आ गया ताकि अभी वो खुलेगा नहीं। और ये दोनों मैं अच्छे से ये खोल देती हूँ ताकि नीचे के कपड़े का ऊपर लाइनिंग के ऊपर कोई सिलाई नहीं हो। और ये डबल सिलाई कर देंगे क्योंकि अगर यहाँ खुल गया तो फिर रनर निकलने के चांसेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमको पक्का सिलाई चाहिए। और सब जगह डबल सिलाई है, मैंने यहाँ पर भी डबल सिलाई करनी है क्योंकि जो जो सिलाई हम लोग को मीन्स पाइपिंग वगैरह होता है या तो कोई और सिलाई आती है तो ठीक है, अभी ये और ये अटैच जहाँ किया है हमने, बाकी कुछ नहीं किया है, इसके लिए वहाँ पर भी डबल सिलाई आती है। अभी यहाँ पर भी क्लोज करना है तो ये पहले ये बंद करूँगी, फिर ये ऐसे ट्राइंगल में ऐसे अंदर की ओर करके ऐसा करके इसके ऊपर भी सिलाई कर दूँगी। फिर ये इतना पोर्शन दूसरे पोर्शन में भी ऐसे ही कर दूंगी। देखिए दूसरे पोर्शन पे भी मैंने कर दिया है, देखिए बंद हो गया है। देखिए विद पर रनर बाहर नहीं निकल सकता है। देखिए ये हमारा एक हो गया, अभी ये दूसरा भी मैं ये साइड करते ही सर, फिर बाद में ये एक दूसरे को जोड़ के अंदर मेन बैक पैन को कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा दूंगी। हमें अंदर का लाइनिंग लगाने के लिए अभी ये साइड बेस जो है बस वो कितना है वो देख रही हूँ मैं, सिलने के बाद बचा हुआ। अराउंड 4 इंच बचा हुआ है सिलाई के बाद। अभी हमको ये क्या करना है कि ये और ये जोड़ना है, हमको ये बीच का पोर्शन जो है जोड़ना है। इसमें एक्चुअली हम लोग अंदर का पॉकेट भी बना सकते हैं लेकिन मैंने अभी वो नहीं बनाया है, इसके लिए मैं अभी इसमें फिर वो एक ही बैग में पूरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों को, इसके लिए अभी वो नहीं कर रही हूँ मैं। बस ये मेरे को बीच का पोर्शन जोड़ना है, उसके लिए मैं ये 2 इंच है तो मैं यहाँ से यहाँ से 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच, बस मुझे ये देखना है कि कौन सा पोर्शन एक ही साइड में है ना, ये देखना है। ये देखिए राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है, ये राइट टू लेफ्ट, ये जिप एक ही साइड में है ना वो हमें देखना है। पहले यहाँ 2 इंच मार्क कर दिया और यहाँ पे भी 2 इंच मार्क कर दिया, ऊपर से भी 2 इंच मार्क कर दिया, यहाँ से भी। तभी हम लोग ये क्या करेंगे, ये और ये पोर्शन पहले मैं जोड़ दूंगी, ये और ये भी ऊपर की ओर है तो ये ऐसा नहीं जोड़ना है, मुझे उल्टी तरफ से जोड़ना है, ऐसा करके जोड़ना है। ये दोनों जो मार्क किया है ऐसे रख दूंगी मैं, ये और ये जोड़ूंगी, बाकी का पोर्शन कोई नहीं जोड़ रही। देखिए ये खुला छोड़ दिया है, बस मुझे यही जोड़ना है। ये 2 इंच ये पोर्शन छोड़ रही हूँ और ये यहाँ से 2 इंच छोड़ के यहाँ जोड़ रही हूँ, पहले ये उतना ज्वाइन कर लेती हूँ।
जहाँ ये पहले सिलाई है उसी के ऊपर मैं सिल दूंगी। बस हमको यही देखना है कि ये सिलाते वक्त तो दूसरा पोर्शन बीच में ना आए। ऐसे हो गया। अभी हमको यहाँ पे एक दाग सिलाई लगानी है, ये ऐसे करके। लेकिन उसके पहले मैं और एक बार सिलाई कर देती हूँ ताकि ये सेफ साइड, मुझे नहीं चाहिए कि वो खुल जाए बाद में। जब अगर मैंने यहाँ यहाँ तक सिलाई कर दी होती ना तो ये भी मुझे पॉकेट मिल जाता, लेकिन वो पॉकेट के लिए मुझे ये और ये अटैच करना ज़रूरी है, लेकिन मैं इसमें नहीं करूँगी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फिर हम किसी और टाइप वैसे बैग बनाएंगे, किसी और बैग में। एक्चुअली क्या है, पॉकेट्स बनाने को कोई इशू नहीं होता है, लेकिन हम लोग जितना पॉकेट्स एक ही बैग में बनाते बनाते जाते हैं उसमें उतनी ही चीज़ें डाली जाती हैं, फिर उस हिसाब से क्या होता है बैग की कैपेसिटी कम हो जाती है। अभी ये दो से नॉर्मल आप देखो, एक सिंगल सेक्शन में जैसे कि हम लोग ट्रैवल बैग बनाते हैं उतना जितना कपड़ा डालो या जितनी चीज़ें डालो वो ले लेता है, लेकिन जैसे ही उसको दो सेक्शन बना देते हैं कैपेसिटी अपने आप कम हो जाती है। तो वैसे ही हम लोग एक 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 पॉकेट बढ़ाते जाते हैं तो उसमें चीज़ें आ जाती है, तो वो क्या है ओवरऑल स्पेस उतना ही होता है, तो वो डिवीजन हो जाता है और वो फिर ये डिवाइडर्स आते हैं तो उसका स्पेस अपने आप कम होने लगता है। इसके लिए जितनी ज़रूरत है उतनी ही पॉकेट्स बनाइए, कि बहुत ज़्यादा पॉकेट्स भी नहीं ज़रूरी है। अभी इसके ऊपर मैं ये एच पे सिलाई करती हूँ। और इसमें क्या है, मैंने एक ये खुला है मेरा और एक मैंने जॉइन वाला लिया था, इसके लिए ये जॉइन ही है। अगर आपका खुला हुआ है तो आप एक सिरा बंद कर लीजिएगा और सिर्फ एक ये ओपन रखिएगा, एक ही चीज़ हमको बैग उलटने के काम आएगी, इसके लिए एक ओपन रखिए एक आप बंद कर दीजिए। तो मेरा ऑलरेडी ये जॉइन होने की वजह से ये बंद है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी बाकी सारा हो गया, मुझे ये मेन पैनल के साथ इसे बिठाना है। तो मेन पैनल हम लोग कैसे करेंगे, ये बैग सीधी है और ये बैग ये उल्टा है, उल्टा मीन्स ये अंदर से सीधा है, ये ऐसे ही रखूंगी, ये मैंने कुछ नहीं किया है, वैसे के वैसे रखा है। अभी जिस सिरे में खुला है वहां से मैं बैग, और ये भी देखूंगी ये लेफ्ट टू राइट ये बराबर मेरा जिप आने के लिए, ये देखिए ये ऐसे चाहिए मुझे, यहाँ लेफ्ट से लेकर राइट तक है ये, राइट के एंड में ये जिप एंड होता है, और ये जो है फ्रंट पोर्शन मेरी तरफ होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे। तो इस हिसाब से मैं ये बैग अंदर ले रही हूँ। बैग का हैंडल वगैरह सारा कुछ अंदर की ओर अच्छे से आप उसको बिठा लीजिएगा। अभी ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको सिलाई कहाँ कहाँ होने वाली है, क्योंकि अभी ये कंजेस्टेड जैसा होता है तो सिलाई कहाँ कहाँ होगी। जैसे कि ये एंड है तो ये यहाँ पोर्शन लगेगा, ये बैक का जो साइड है ना वो यहाँ पे लगेगा। मीन्स 12 इंच के साइड पे 12 इंच का साइड आएगा, ये यहाँ पे बैठ जाएगा पूरा 12 इंच का 12 इंच पे। और ये जो हमने पोर्शन किया है वो इस जगह पे आएगा, ये जो पैनल है ना ये इस जगह पे लगाएंगे हम लोग बराबर एडजस्ट करके, ऐसा ये ऊपर करके यहाँ पे लगाएंगे और फिर से ये 12 इंच का पोर्शन यहाँ पे, तो 12 इंच की जगह पे 12 इंच आएगा और जो यहाँ पे जॉइन किया हुआ पीस है वो ऐसे खोल के हम लोग इसी के ऊपर बराबर एडजस्ट करके बिठा देंगे, लेकिन ये बाद में करेंगे हम लोग
पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, इसके लिए पहले फ्रंट एंड बैक हम ज्वाइन कर लेंगे, बाद में इसको पिनअप करके कर लेंगे। अगर पिनअप करके आपको मुश्किल होती है तो आप इसमें हाथ सिलाई करके अच्छे से फिट करके उसके बाद में सिलाई कीजिएगा, क्योंकि अब ये ब्लैक है तो फिर वो सिलाई उधेड़ने में दिखने में भी प्रॉब्लम होता है, तो आप शांति से उसको हाथ सिलाई करके कीजिएगा। मैं पहले फ्रंट एंड बैक सिला देती हूँ, ध्यान रखिएगा 12 की साइड में 12 ही आ रहा है, 12 इंच की साइड पे 12 इंच दोनों साइड पे हमने सिलाई कर, बीच का पोर्शन बस हमको ध्यान से, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी इसको करने से पहले आप हाथ सिलाई कर दे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। साइड से देखिए, ये साइड पे मैंने इस तरफ से खोल के ऐसे बना लिया। मैंने साइड सिलाई कर दी, दूसरी साइड में भी वैसे ही करूंगी, और सारा करने के बाद ही मैं डबल सिलाई करूंगी, लेकिन मैं डबल सिलाई करने से पहले भी मैं एक बार खोल के देख लूंगी कि कहीं कोई धागा या अंदर की तरफ लगा तो नहीं है कहीं पे, वो मैं खोल के देख के उसके बाद में ही सेकेंड सिलाई करूंगी। अभी ये साइड हो गया है, अभी वो साइड जोड़ देंगे, खोल के देखिए ये बराबर मुझे यहाँ मिल जाता है तो अंदर की ओर से मैं सिलाई कर सकती हूँ। देखिए कैसे रेडीमेड बैग जैसे ऐसे ये बन गए हैं। अभी बस मैं निकाल के उसको डबल सिलाई भी कर दूंगी, सिंगल सिलाई हमारी हो चुकी है तो उसको डबल सिलाई भी करूंगी, और डबल सिलाई होने के बाद हम लोग एज यूजुअल इसके ऊपर भी दाब सिलाई करेंगे। यहाँ पे दाब सिलाई हो चुकी है, बाकी का जो भी पोर्शन पेंडिंग है चारों ओर से हम लोग दाब सिलाई कर देंगे। देखिए पूरा रेडीमेड बैग जैसे बन गया है। अब मैं पहले आपको ये सिलाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अंदर का पोर्शन हमारा एक खुला जो पोर्शन है उसके ऊपर भी हमको सिलाई करनी बाकी है। देखिए पूरा रेडीमेड जैसा, देखिए बॉटल के लिए भी काफ़ी जगह है, मैं अभी बना देती हूँ। मैंने डबल सिलाई करके फिर से बैक सीधी कर ली है, अब मैं टॉप सिलाई लगा देती हूँ। जैसे ही हम लोग दाब सिलाई रखते हैं लगाते हैं जैसे ही दाब सिलाई लगाते हैं तो उसका लुक एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि ऊपर भी हो गया नीचे भी हमारा दाब सिलाई लग गया, और ये प्रॉपर बेस हमको दिखाई दे रहा है। अभी देखिए प्रॉपर हमको 5 इंच का बेस दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग जो सिरा, अभी एक आखिरी चीज़ बची है, जो सिरा ये हमने खुला छोड़ा है बस हमें उसे ही बंद करना है। अभी नॉर्मल हम लोग 2 सेक्शन बैग में हम लोग सीधा सिलाई कर देते हैं, क्योंकि वो 3 ये होते लाइनिंग होते हैं। अभी ये 2 ही लाइनिंग है तो मैं क्या करूँगी, ये अंदर की ओर मोड़ दूंगी ताकि फिनिशिंग और ज़्यादा क्लीन आए। देखिए अंदर की ओर ऐसे मोड़ के इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी, मीन्स रॉ एज बाहर की ओर रखूंगी ही नहीं। हमारा बैग तैयार हो चुका है, देखिए जिपर, बॉटल सेक्शन, बैक जिपर, अंदर का भी जिपर है, देखिए और ये मेन जिपर। हमको ये मेन पैनल के लिए 2 जिपर हैं, बाहर यहाँ पे 2 जिपर, यहाँ पे 1 जिपर और अंदर की 1 जिपर, तो टोटल हमारे 6 पॉकेट्स हो गए इसमें अगर काउंट किया जाए तो। देखिए ये पूरा रेडीमेड बैग में होता है, वैसे ही है। आपको ये बैग कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको लगेगा, अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा लाइनिंग डिफिकल्ट है, इसके लिए मैंने वो पहले सिंगल टोटे, उसके बाद में डबल सेक्शन, उसके बाद में ये रेडीमेड बैग्स लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप ये करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको, आपने करने को शुरू किया तो आपको वो ईजीली वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। सिर्फ देखने से नहीं समझ में आता है, अपने को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा
तो हम लोग को समझ में आता है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको बहुत ही इजी वे से समझा सकूं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश फिर से करूंगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि वो लोग भी सीख सके अगर इंटरेस्टेड हो तो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको आपकी बनाई हुई पिक अगर शेयर करनी हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पे यानी श्री शांता दुर्गा क्रिएशंस पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।